कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक सोना व्यापारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ हाईवे पर 75 लाख रुपए की लूट हुई थी। व्यापारी का दावा था कि लुटेरे उसके पैसे और कार लेकर फरार हो गए थे, लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच की तो जाँच के दौरान व्यापारी की ही कार से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। क्या था ये पूरा मामला? सूरज वनमाने नामक सोने के व्यापारी 15 नवंबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक व्यापारिक सौदे के बाद केरल लौट रहा था। उन्होंने शंकरेश्वर थाना में लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उनका कहना था कि पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर लुटेरों ने उन्हें बंदूक की नोक पर लूटा और उनकी कार लेकर फरार हो गए। व्यापारी ने पुलिस को बताया था कि उनके पास 75 लाख रुपए थे, जिन्हें उन्होंने एक सीक्रेट बॉक्स में रखा था। जांच के दौरान पुलिस को बेलगावी के नरेली गांव में एक लावारिस कार मिली, जो व्यापारी की बताई गई कार से मेल खाती थी। जब पुलिस ने उस कार की जांच की तो उन्हें सीक्रेट बॉक्स से लगभग 1 करोड़ रुपए मिले, जो व्यापारी द्वारा बताए गए 75 लाख रुपए से कई ज़्यादा थे। पुलिस ने बताया कि ये बक्सा 2x2 फीट का था और उसमें एक बटन भी था जिससे वो खोला जा सकता था। इस घटना के बाद पुलिस ने व्यापारी सूरज वनमाने, उनके वाहन चालक आरिफ शेख और उनके दोस्त अजय सरगर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अब ये संदेह है कि व्यापारी और उनके साथियों ने ही लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी ताकि वे चोरी हुए पैसों का हिसाब दे सकें। पुलिस को ये जानकारी मिली कि केरल में सोने की ज्वेलरी भारत नामक व्यक्ति के पास थी, जिसने सूरज को दो व्यक्तियों को ज्वेलरी बेचने के लिए भेजा था। पुलिस का कहना है कि व्यापारी और उसके साथी ये इसलिए गढ़ सकते थे ताकि वे लूट की आड़ में चोरी किए गए पैसों को छुपा सकें। फिलहाल इस मामले में आगे की पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस पूरे केस में आगे क्या कुछ अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत ही बताएंगे। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।